हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे JSW स्टील के बारे में, जो कि बिजनेस रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है, और साथ में क्वार्टर थ्री के नतीजों को लेकर भी अपडेट्स निकल के आई है। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट क्या पॉसिबल मोमेंटम शेयर प्राइस के ऊपर नज़र आ सकते हैं उसके बारे में भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और देखा जाए फ्रेंड्स, तो जो मेटल सेक्टर के स्टॉक्स है उसमें हमें पिछले दिनों काफ़ी बड़ी तेज़ी भी देखने को मिली। जो कि JSW स्टील की मैं बात करूं तो तकरीबन 150 रुपये के स्टॉक्स में तकरीबन 700 साढ़े 700 रुपये तक के मोमेंटम देखने को मिले थे, और ज़बरदस्त तेज़ी के बाद हमें स्टॉक्स में अच्छे करेक्शन भी नज़र नहीं आए फ्रेंड्स। मेटल सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें तो कोई बड़े करेक्शन देखने को नहीं मिला है, ऑल टाइम हाई से फ्रेंड्स। तो मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी मजबूत नज़र आ रहे हैं। तो JSW स्टील में क्या आगे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं उसके ऊपर हम एनालिसिस करें, उससे पहले जो खबर निकल के आई है उसके ऊपर एक नज़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके एंकरेज करना ना भूले। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारी प्राइम सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। और साथ में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी फ्रेंड्स। और सबसे पहले अगर मैं बात करूं क्वार्टर थ्री के नतीजों की, तो JSW स्टील अपने क्वार्टर थ्री के नतीजे 21 जनवरी के दिन बाजार को पेश करेगा। यानी फ्रेंड्स, अगर आपके पास JSW स्टील के स्टॉक्स है तो आपको इस डेट के ऊपर नज़र गड़ाए रखनी है, 21 जनवरी के दिन देखते कि किस तरह के नतीजे पेश कर सकता है JSW स्टील, जो कि नतीजों का अनुमान अच्छे ही है फ्रेंड्स। जो कि जिस तरह से टाटा स्टील के जो Q3 के जो अपडेट्स निकल गया है ब्रोकरेजेस की ओर से, वो काफ़ी शानदार है, तो हो सकता है JSW स्टील के भी नतीजे अच्छे ही आने की उम्मीद लगा सकते हैं फ्रेंड्स। तो खबर जो निकल के आई है वो खबर आप लोगों के सामने है। हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट के ऊपर आया है, और बताया जा रहा है कि JSW स्टील तकरीबन 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहा है फ्रेंड्स। तो इस खबर को हम थोड़ा विस्तार से देखें तो मैं पेज को थोड़ा स्क्रॉल करना चाहूँगा, और जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, JSW स्टील अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड कर रहा है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट्स करेगा, और जो कैपेसिटी है JSW स्टील के जो प्लांट है विजयनगर में यानी कर्नाटका में जो प्लांट्स है उसकी कैपेसिटी 5 मिलियन टन पर एनम करने का प्लानिंग है। तो ये अपना एक बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट शेयर प्राइस के ऊपर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो बिजनेस रिलेटेड देखें तो अपना एक बहुत ही बड़ी खबर है, और इससे कहीं ना कहीं JSW स्टील के जो रेवेन्यू है प्रॉफिट में, इसमें भी आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा लंबी अवधि में। तो ये खबर पॉजिटिवली साबित हो सकती है शेयर प्राइस के ऊपर। तो एक नज़र कर लेते हैं फ्राइडे के दिन के कारोबार के ऊपर, उसके ऊपर हम चार्ट्स के ऊपर टेक्निकली एनालिसिस करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, NSE की वेबसाइट के ऊपर मैंने JSW स्टील को सर्च करके रखा है, तकरीबन 2 रुपये के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी फ्राइडे के दिन, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी वो 673.95 रुपये पे प्रीवियस क्लोजिंग। ओपनिंग गैप अप देखने को मिली फ्राइडे के दिन 674 रुपये के आसपास, हाई बनाया 680 रुपये के आसपास, लो देखने को मिला 667 रुपये का, और फाइनली क्लोजिंग हमें 672 रुपये के आसपास नजर आई 2 रुपये के आसपास की गिरावट के साथ। डेलिवर परसेंटेज की बात करें तो जो क्वांटिटी ट्रेड हुई वो तकरीबन 26,62,000 शेयर्स की क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से डेलिवर क्वांटिटी की बात करें तो 7,93,000 शेयर्स की डेलिवर क्वांटिटी, डेलिवर परसेंटेज देखें तो 27% के डेलिवर परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो कारोबार का सिचुएशन तो यहाँ पर मैं ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। चार्ट्स के ऊपर देखें फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं JSW स्टील का चार्ट मैंने वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन किया है, और यहाँ पर कुछ लाइनें भी ड्रॉ करके रखी है, और जैसा मैंने आपको बताया 150 रुपये से 750 रुपये तक के मोमेंटम देखने को मिले। यानी इतने बड़े मोमेंटम के बाद भी स्टॉक्स में इतनी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, इतने अच्छे करेक्शन भी नज़र नहीं आए फ्रेंड्स। तो अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाहते हैं तो थोड़ा यहाँ पे रिस्क हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन प्रॉपर सेल के साथ पोजीशन बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चार्ट्स को यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करना चाहूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ऑल टाइम हाई बनाया था JSW स्टील ने वो तकरीबन 775 रुपये के आसपास की ऑल टाइम हाई, और वहाँ से हमें करेक्शन नज़र आए, करेक्शन हुआ वो तकरीबन 600 रुपये तक करेक्शन नज़र आया फ्रेंड्स, और यहाँ से प्राइस ने मोमेंटम दिखाया। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ टाइम के लिए पिछले दिनों स्टॉक्स इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया था, और यहाँ से फिर एक न्यू हाई देखने को मिला था, तो वही लेवल से फिर से स्टॉक चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक जो अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है
वो है 700 रुपये का, जहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। 3 बार रिजेक्शन नज़र आ चुका है 700 रुपये से। जैसे ही 700 रुपये के ऊपर सस्टेन रहता है तो नेक्स्ट टारगेट 730 का और उसके ऊपर 775 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इस लेवल के ऊपर नज़र बना के रखनी है। 700 के ऊपर सस्टेन रहता है तभी आपको यहाँ पे एक न्यू तेज़ी नज़र आ सकती है। और सपोर्ट लेवल इमीडिएट नज़र आ रहा है वो 650 का। 650 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल तो 600 रुपये का है नीचे की तरफ फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर भी अपनी नज़र गड़ा के रखनी है और 21 जनवरी के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, जो कि क्वार्टर थ्री के नतीजे आने वाले हैं फ्रेंड्स। तो हो सकता है यहाँ पे नतीजों से पहले मोमेंटम भी देखने को मिल जाए और हो सकता है यहाँ पे नतीजों से पहले हमें गिरावट भी देखने को मिल जाए। अगर नेगेटिव नतीजे आएंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फ्रेंड नतीजे अच्छा है तो अच्छी तेज़ी भी नज़र आ सकती है। यानी फ्रेंड नतीजों से पहले ही जो भी होगा वो मोमेंटम देखने को मिल जाएगा और हो सकता है यहाँ पे प्राइस पहले ही डिस्काउंट हो सकती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इन लेवल को आप वॉचआउट करें, अपना स्टडी कंडक्ट करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही किसी भी तरह की कोई पोजीशन बनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंगेज करना ना भूले। चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सीख न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।